गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो मैं टॉपिक कवर करूंगा वो है टक पेंट। ये आपकी बुक में चैप्टर 5 दिया हुआ है बाय द नेम मोर ऑन टक पेंट। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट टक पेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे टक पेंट में वो है पहला अबाउट टक पेंट, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा टक पेंट क्या है उसके बारे में, और फिर बात करूंगा टूल्स ऑफ टक पेंट। टक पेंट जो सॉफ्टवेयर है, जो डिफरेंट टूल्स हम यूज़ करेंगे और जो दिए हुए हैं इसमें वो क्या है, ठीक है। सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट टक पेंट। सो टक पेंट इज अ सॉफ्टवेयर जिसका बेसिक काम ये होता है कि वो ड्राइंग को कलर करने के लिए वो होता है यूज। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो काइंड ऑफ स्टार्टेड, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2002 में हुई थी, और इसको डेवलप करा गया है बाय अ नेम बाय पर्सन विद अ नेम बिल कैनविक। सो बिल कैनविक इज द पर्सन हु एक्चुअली डेवलप दिस सॉफ्टवेयर टक पेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू द टूल्स। अब हम बेसिकली बात करते हैं इनके टूल्स के बारे में। सो एज यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड मैं जहाँ पर लिखा है टूल्स ऑफ टक पेंट, तो इसके अंदर मैंने एक इमेज बेसिकली यूज़ करी है जिसमें लिखा हुआ है उन पर्टिकुलर टूल्स के बारे में जो हम टक पेंट में यूज़ करते हैं। तो पहला टूल है वो है पेंट टूल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंट टूल, और तो लिखा हुआ है पेंट टूल हेल्प टू ड्रॉ यूजिंग डिफरेंट ब्रशेज। इसमें ये बेसिकली होता है मैं पेंट टूल पर जब भी क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट ब्रशेज मेरे सामने खुलते हैं, उनको मैं यूज़ करके कोई भी चीज़ बेसिकली ड्रॉ कर सकता हूँ। फिर आता है मेरा स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल बेसिकली होता है कि एक तरह से स्टिकर्स होते हैं जो इसमें दिए होते हैं, उनको मैं चाहूँ तो मैं जो हूँ स्टैम्प पर क्लिक करूँगा, मेरे सामने वो मल्टीपल स्टिकर्स हैं वो आ जाएंगे, उन स्टिकर्स में क्लिक करके उनको बेसिकली अपने जो ड्राइंग एरिया है वहाँ ला के पेस्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपकी जो है दिया हुआ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जो है आपका जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं यहाँ पर टाइप करने, कोई भी हमें टेक्स्ट टाइप करना है इसलिए हम टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं। फिर हमारा मैजिक टूल आता है। मैजिक टूल जो है हम यूज़ करते हैं कि हमें जो है अपनी इफेक्ट्स बेसिकली कोई डिफरेंट इफेक्ट्स, हमें कोई पिक्चर ली है उसमें हमें कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हैं उसका मैजिक, उसको हम जो है बेसिकली मैजिक टूल के थ्रू करेंगे। फिर आता है हमारा इरेज टूल। इरेज टूल बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, हमने कोई चीज़ ड्रॉ करी है उसको हम इरेज करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, तो वहाँ इरेजर टूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप हम आते हैं न्यू टूल क्रिएट, ओके फिर जो आते हैं न्यू जो टूल है उस पर आते हैं। न्यू बेसिकली टूल जो होता है वो हम यूज़ करते हैं कि हमको अगर एक ब्लैंक पेज चाहिए तो उसलिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। फिर ओपन टूल बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स सेव्ड है हमारे कंप्यूटर में, उनको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो हम ओपन टूल का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा सेव टूल। सेव टूल बेसिकली हमें जो भी पिक्चर कोई भी चीज़ ड्रॉ करी है उसको सेव करना है तो हम सेव टूल के थ्रू करेंगे। फिर हमारा जो है आपका यहाँ पर जो है प्रिंट और क्विट दे रखा है। क्विट हम जो यूज़ करते हैं हम अपने प्रोग्राम को बंद करने के लिए, प्रिंट हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि हमको जो भी हमने एक चीज़ ड्रॉ या कुछ करी है उसका प्रिंट आउट करने के लिए। और यहाँ पर दो अंडू और रीडू दे रखे हैं बॉटम। अंडू रीडू बेसिकली होता है कि मैंने कोई चीज़ ड्रॉ या बनाया है, बट जो भी मैंने एक्शन परफॉर्म करा है उसके ऊपर मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं जो चीज़ ड्रॉ करी उसको मैं अनड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं अंडू करूँगा। और रीडू का बेसिकली जो काम होता है कि जो भी चीज़ मैंने अंडू करी है उस पर्टिकुलर अंडू कमांड को कैंसिल कर देता है, ठीक है। और फिर हम आते हैं यहाँ पर लाइंस और शेप्स पे। लाइंस एंड शेप्स का बेसिकली हम सिंपल है कि अगर हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है तो हम लाइन बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने डिफरेंट लाइंस आ जाएंगी, तो उसी मदद से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास है आपका शेप्स। शेप्स में अगेन इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी, तो अगर मैं कोई स्पेसिफिक शेप ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो विद द हेल्प ऑफ प्रेसिंग द शेप बटन मैं उसमें जो लिस्ट आएगी शेप्स की वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो ये बेसिकली टूल्स हैं डिफरेंट जो हमारे टक पेंट में यूज़ होते हैं। अब मैं बेसिकली आउट है, मैं अपना ये जो लेक्चर है वो ख़त्म करूँगा। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड नाउ आई वांट फ्रॉम योर साइड कि आप इस वीडियो को देखिए और अपनी किताब से भी पढ़िए कि आपको ये चीज़ बेहतर समझ में, अगर उसके बावजूद भी आपके चीज़ समझ में नहीं आती है तो वॉट यू कैन डू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर ऑलरेडी ग्रुप पर दिया हुआ है तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो हैं
यूट्यूब के अंदर जो कमेंट सेक्शन वहाँ पर भी कमेंट मतलब आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई बेसिकली क्वेरी है या कोई चीज़ आपको समझनी है मुझसे। थैंक यू।